गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। नाउ टुडे वी डिस्कस मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। इसमें कल हमने दो इक्वेशन बनाया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा था एफ कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस यन साइन थीटा, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सपोज दैट इक्वेशन नंबर वन है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर यन कॉस थीटा अपवर्ड लग रहा है और यफ साइन थीटा और एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पर कंडीशन इक्विलिब्रियम का है तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ पे एक इक्वेशन और हमें मिलेगा एफ साइन थीटा, प्लस एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना हो, इफ़ वी इक्वल टू वी मैक्स, तो अगर हम वेलोसिटी मैक्सिमम करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा। एफ एस जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। और अगर हम वेलोसिटी वी इक्वल टू वी मैक्स करेंगे तो एफ एस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन का सिंबल हट जाएगा और क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर एफ की वैल्यू हम इक्वेशन वन और टू में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर वन में अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा म्यूएस इंटू एन कॉस थीटा, प्लस एन साइन थीटा, इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगर हम इक्वेशन नंबर टू में रखें तो यहाँ एफ की जगह क्या हो जाएगा, म्यूएस इंटू एन, साइन थीटा, प्लस एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फोर। अब यहाँ इक्वेशन नंबर फोर से हम एन की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हो जाएगा म्यूएस इंटू एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी इक्वल टू म्यूएस इंटू एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एम जी यहाँ हो जाएगा। या यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यूएस इंटू एन साइन थीटा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू माइनस एम जी, माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एन की वैल्यू है, एन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये क्लियर है। यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा, अब ये एन की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। यहाँ भी एन कॉमन हो जाएगा तो एन अगर हम बाहर लेंगे फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड अगर हम देखें, एन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एन कॉमन लेंगे तो आएगा म्यूएस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू हो जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर ये हो गया। अब एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है एम जी, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में हम अगर लिख दें म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ वी मैक्स निकालना है तो वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आर जी आर इंटू जी और ब्रैकेट में क्या है ब्रैकेट में अगर देखें तो म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अपॉन क्या है कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा ये हो गया। अब अगर हम कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू आर जी और यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर तो आएगा म्यू एस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड करेंगे वन माइनस म्यू एस टेन थीटा ये हो जाएगा। या वी मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा पूरे पे पावर क्या आ जाएगा वन बाई टू। ये आ गई मैक्सिमम स्पीड। इस मैक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर बैंक रोड है तो उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, जिससे कि अगर कोई कार सर्कुलर टर्न ले रही हो तो स्लिप नहीं होगी। तो जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है, जो मैक्सिमम स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं इसी फार्मूले से करते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर म्यू एस इक्वल टू जीरो भी कर दें तो म्यू एस की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम म्यू एस की वैल्यू जीरो भी कर दे रहे हैं तब भी देखेंगे कि हमें वी मैक्स वी हमें स्पीड मिलेगा, तब जो स्पीड मिलेगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड और उसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू एस यहाँ जीरो करेंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ म्यू एस जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा आर जी टेन थीटा पे पावर वन बाई टू, आर जी टेन थीटा पे पावर वन बाई टू। मतलब ये हुआ कि इस स्पीड से अगर हम सर्कुलर टर्न लें तो अगर म्यू एस की वैल्यू जीरो भी हो तब भी कार स्लिप नहीं होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक रोड करने पर जो मैक्सिमम स्पीड हमें मिल रहा है वो लेवल रोड के कंपेयर में ज़्यादा मिल रहा है, तो बैंक रोड करने का यही फायदा है कि मैक्सिमम स्पीड से हम सर्कुलर टर्न ले सकते हैं। इसके बाद है होमवर्क, इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में वही सेम इसी पर बेस्ड है, यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड पूछ रहा है। ओके थैंक यू।